अविनाश दिन रात ड्यूटी पर रहता है, इसीलिए घर में झगड़ा होता रहता है। वो एक बॉम्ब एक्सपर्ट है। एक दिन उसके जाने के बाद एक अजनबी घर में आता है जो जेल से सजा काट कर आ रहा है। अविनाश की बीवी उसको अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ शहर में एक और बॉम्ब पाया जाता है। अविनाश और उसका साथी जाकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब होते हैं। बाद में जब अविनाश घर पर फोन करता है तो वो अजनबी फोन उठाता है। अविनाश के पूछने पर उसकी पत्नी झूठ बोल देती है। उधर चलो। बस तू यही ठहर, मैं देकर आता हूं तोहफा। जी साहब के लिए तोहफा है, श्रीकांत साहब ने भेजा है। श्रीकांत साहब जी उनके दोस्त है वो। ओह थैंक यू थैंक यू। चलो काम हो गया, एक फोन करते। यस अविनाश हियर, कौन बोल रहा है? तुम हमें जानते नहीं लेकिन हमारे काम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, इतनी अच्छी तरह के उसे डिफ्यूज भी कर लेते हो। कौन बोल रहा है? अरे अरे चिल्लाने से क्या होगा अविनाश, अपने घर जाओ जल्दी से जल्दी। क्या पक रहे हो? 24 जवाहर नगर, ये आपका ही घर है ना? हम वहीं से आ रहे हैं। बड़ा अच्छा एरिया है, बहुत शांत है, या शांत था। पूछूं कौन है तू? अब क्या होने वाला है वहां भगवान ही जानता है। क्या बकवास कर रहा है? अपने घर जाओ अविनाश, जल्दी करो घर जाओ। अविनाश देर हो जाएगी, घर जाओ जल्दी, घर जाओ। गौरी गौरी गौरी, गौरी गौरी ठीक हो ना गौरी? हाँ मैं ठीक हूँ। ओह थैंक गॉड। मैंने सोचा तुम्हें किसी ने डराया तो नहीं ना? नहीं तो क्यों? कोई यहाँ आया तो नहीं था? यहाँ तो कोई नहीं आया। शायद मजाक रहा होगा। सब कुछ तो ठीक है। अरे हाँ आधे घंटे पहले एक आदमी तुम्हारे लिए पार्सल छोड़ गया है। पार्सल? हाँ पार्सल। कैसा पार्सल? वो मैंने वहां रखा है। वो भाई हाथ मत लगाना। जा। क्यों? तुम जाओ। क्यों? तुम इस कमरे के बाहर जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम गौरी गौरी तुम बाहर जाओ। गौरी जाओ जाओ। क्यों? जाओ। Thank you.
हेलो, क्या पता अगली बार पार्सल में असली बम हो। अविनाश, ये तो सिर्फ चेतावनी थी। क्या चाहिए तुझे? तुम हमारे काम में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहे हो। हमें चाहिए कि तुम काम से छुट्टी ले लो। अविनाश, जाओ तुम। तेरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। अच्छा, एक बात याद रखो अविनाश, तुम कौन हो, कहां रहते हो, हमें सब पता है। हम जब चाहे तुम्हारी खबर ले सकते हैं। किसका फोन था? सुनो, आइंदा आइंदा इस घर में किसी को मत आने देना और ना ही किसी से कुछ लेना, समझी? मैं तो सिगरेट पीता नहीं, ये कहां से आया? वो, अरे हाँ, कल रात मीना और अर्जुन आए थे। तुम्हें तो पता है अर्जुन सिगरेट पीता रहता है, उसी का होगा। पर वो तो दो हफ्तों के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। हाँ, वो प्लान चेंज हो गया उनका। मुझे वापस जाना है। चलता हूं। कोई प्रॉब्लम है अविनाश? बड़े परेशान से लग रहे हो। नहीं सर, कुछ नहीं। मुझे मालूम है, ड्यूटी का प्रेशर, ये रोज के रोज बॉम्ब और उनका डिफ्यूजल, ऊपर से तुम्हारे घर वालों को मिली हुई धमकी, इन सब का असर तो पड़ेगा ही। बट डोंट वरी, मैं पुलिस प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कराए देता हूं। ओके, जी हैं? अर्जुन साहब, आप कौन बोल रही हैं? उनकी नौकरानी जी? वो पिछले हफ्ते ही शहर से बाहर चले गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप ठीक कहते हैं सर, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, क्या मैं कुछ घंटों के लिए ऑफ ड्यूटी जा सकता हूं? मैं सीधा घर जाऊंगा सर। ओके, यू मे गो। नवनीत है यहां, और भी लोग हैं, पर एक काम करना, मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो और जीप में चले जाओ। नवनीत, यस सर, यू गो विथ हिम। ओके सर, टेक केयर।
अविनाश सुनो, तुम ठीक तो हो ना यार? क्या हुआ मुझे? कहो तो मैं घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा, ये पास ही में, तुम चलो। भैया दादा चलोगे? जरा जल्दी चलो भैया। उस टैक्सी का पीछा करो, चल ले। Yes, sir. एक बैग और ला। साहब आप पहले से बहुत पी चुके हैं। हट! ले क्या? अपने उदय का केस याद है? उसकी बीबी ने कभी झगड़ा नहीं किया। हुआ क्या? पता चला किसी पराए मर्द के साथ चक्कर था उसका, उड़ गई एक दिन। उदय बस देखता ही रह गया। मेरी बीवी ने अगर किसी के साथ चक्कर चलाया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे? दोनों को बम से उड़ा दोगे? खून कर दूंगा उनका, खून कर दूंगा उनका, खून कर दूंगा उनका। क्या बात है यार? कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ? अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। सुनो, पहले ठंडे हो जाओ, ये अलग टाइप का है। और बम फटने से पहले पूरे 27 मिनट है अपने पास। पहले सर्किटरी पे काम करते हैं, तुम कहो तो मैं करूं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, हटो यहां से। अरे अविनाश, अविनाश संभल के। अरे ये तुम कर क्या रहे हो? ये सोच समझ के वायर काटना ना। क्यों भाग? अरे अविनाश, सिर्फ वायर ही खुला है। देखो
मैं इसे अभी डिफ्यूज करता हूं। मुझे करने दो, तुम मरोगे और कुछ भी मरवाओगे। मेरे रास्ते में मत पड़ो, हटो यहां से। सुनो, अच्छी तरह सोच लो पहले, कुछ भी जल्दी में करने की जरूरत नहीं है। अरे वो वाला तार नहीं, वो तो नकली है। अरे इससे तो पूरा बम शॉर्ट सर्किट होके फट जाएगा। अरे अभी मैंने ये क्या कर दिया, हट यहां से। आज तो तुमने मरवा ही दिया होता है। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। तुम्हें जो धमकी मिली है उसकी वजह से ऐसे हो ना? वही आतंकवादी, उसकी वजह से परेशान हो ना? तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो कोई खतरा नहीं है। अविनाश, ये क्या हो, क्या क्या है तुम्हें? दो ही दिन में तुम्हारी हालत कैसे क्या हो गई? जानते हो अभी क्या अनर्थ हो जाता? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बम ऐसा था, तुमने गलत वायर काट दी। वो तो 10 सेकंड का डिले मिल गया, इसलिए नवनीत को तुम्हारी गलती सुधारने का वक्त मिल गया। अगर ये बम वैसा होता ना जैसे कि जानसाज बनाया करता था, तो ये 10 सेकंड का डिले भी नहीं होता और गलत वायर काटने के बाद तुम्हारी जान चली जाती। जानसाज? हाँ, जानसाज। He is no longer active now. अभी जेल से छूटा है, लेकिन आज से 6 साल पहले बम बनाने के धंधे में सबका उस्ताद होता था। अगर ये बम उसका बनाया हुआ होता ना तो हम सबकी जान ले लेता आज। जहाँ साधा घर पे जी, हाँ है। हाँ साहब, मैं ही जहाँ साजू साहब। कुछ गड़बड़ है साहब। तू मुझे जानता है जहाँ साज? हाँ साहब, आप पुलिस वाले आदमी दिखते हो साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ साज? हाँ साहब। तू भी बम से खेलता और मैं भी बम से खेलता हूँ। मैं बॉम्ब स्क्वाड में काम करता हूँ, अविनाश नाम है मेरा। हाँ साहब। मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ। हाँ साहब। तू बम बनाता है? बम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। अब पहले बनाता था साहब, अब बिल्कुल छोड़ दिया। मैं 5 साल जेल काट के आया हूँ साहब, अब क्यों बनाऊंगा साहब? अरे अब तो बिल्कुल छोड़ दिया साहब, सच बोलता हूँ मैं आपसे। तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम साहब? तू मुझे एक बम बनाकर दे। बम? नहीं। बम? हाँ, मुझे एक बम बना कर दे। बम? बम का आप क्या करेंगे साहब? आपने कहा कि बम स्क्वाड में आप। उससे तुझे कोई मतलब नहीं, समझा? मुझे एक बम चाहिए और तू मुझे बना कर देगा। रहम करो साहब, मैं 5 साल जेल काट करके आया हूँ। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब, मैं बाल बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता साहब, मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता साहब। तू अगर मुझे बम बनाकर नहीं देगा ना तो जरूर जेल जाएगा। क्या बात है साहब? आजकल हर कहीं बम बरामद हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि उसमें तेरा भी हाथ है। अरे नहीं साहब, मैंने वो बम नहीं बनाया, मैंने ये धंधा छोड़ दिया साहब। मैं अब सीधा रास्ता चलने को भागता हूँ साहब। मैं चुप, बिल्कुल चुप। मैं यहाँ सबूत छुपा सकता हूँ, तू फंस जाएगा, जेल जाएगा और वहीं मर जाएगा। सोच ले अब क्या चाहिए तुझे। मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ साहब, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ साहब। तू मेरा वक्त खराब कर रहा है जासास, या तो मेरे लिए बम बना कर दे या जेल जा। तेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। और अगर तू सोचता है कि तू किसी को सब कुछ बता देगा, तो और सोच कि कौन तेरी इस बात पर यकीन करेगा कि बम स्क्वाड के एक आदमी ने तुझे बम बनाने के लिए कहा। सोच ले, इस बार जेल जाएगा ना तो जिंदा वापस नहीं आएगा। नहीं सर। मुझे 2 दिन में बम चाहिए, डिलीवरी मंगलवार की सुबह होनी चाहिए, समझा? ठीक है सर। और सुन, बम ऐसे बनाना। ठीक है सर। पक्का मालूम है कि वहां अविनाश था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो था और साथ में वो दूसरा नवनीत।
दोनों जोड़ी में काम करते हैं। पिछली बार उन दोनों ने ही बम डिफ्यूज किया था, लेकिन मुझे कुछ खटका था। क्या मतलब? लड़खड़ा कर चल रहा था, पिया हुआ था शायद, और उसके चेहरे में एकदम पागलों जैसा लुक था। नवनीत से उसकी झड़प भी हुई थी। अब हम सिर्फ एक बम और बना सकते हैं बस, और ये बम सब बमों का बाप होना चाहिए। फट जाए तो सरकार की धज्जियां उड़नी चाहिए। इस बार हमें कोई नहीं रोकेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।